हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे काजल के व्लॉग्स में। सो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30 और देख सकते हैं आप धूप भी जो है कि आ चुकी है एकदम चमचमाती हुई। और आपकी गुड मॉर्निंग की शुरुआत मैं करती हूँ आज लाल फूलों से। यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे रेड रोज़ हो रखे हैं। सॉरी, रेड रोज़ नहीं है ये, पर वैसे लग ही रहे हैं रोज़ जैसे। पर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं एकदम खिल के। दोस्तों अचानक से ना 2-3 दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब जैसी हो रही है। पता नहीं क्यों इधर हार्ट के टाइप मेरे पता नहीं क्यों अजीब सा दर्द बना रहता है। और मैंने डॉक्टर से जो है कि उन्होंने मुझे हमेशा गैस की दवाइयाँ दी रहती है। पता नहीं गैस की वजह से होता है दर्द या कुछ सोच के हो रहा है या फिर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आज जा रहे हैं डॉक्टर के पास श्रीनगर। मेरी दोस्त जा रही है, उसको वहाँ काम है डॉक्टर के पास। तो मैंने सोचा कि ना मैं भी अपने को दिखा दूँ, क्योंकि हार्ट से संबंधित अगर कोई परेशानी होती है तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दिल का अब दिमाग का वहम भी दूर हो जाएगा पूछ के। सामने देखिए दोस्तों इतनी ज़्यादा कंडालियाँ हो रखी है, इतनी ज़्यादा कंडालियाँ हो रखी है। अब गर्मियों के मौसम में ना उसके नीचे ना इतने लंबे लंबे काले काले सांप निकलते हैं। फिर से आने लग गए वो दिन। कराने वाली कहाँ गई? रितु कहाँ? रितु कहाँ है? नहीं है यार, वहाँ दिख रही। अच्छा, वहाँ अंदर की साइड। मैं तो ये ढूंढ रही, तो कहाँ है? यार थोड़ा टेस्ट कराना है। किस चीज़ का? वो लिपिड प्रोफाइल का। खाली पेट? हाँ, मैंने पानी पी रखा बस। चाय वगैरह कुछ नहीं ना? नहीं। दोस्तों ये डॉक्टर साहिब जो है किसी तक कैमरे को देख के हंसती है, फिर बोलती है कि अब बताओ। गाइस एक बार फिर से जो है कि लिपिड प्रोफाइल वाला टेस्ट करा देते हैं, क्योंकि इंसान को ये वाला टेस्ट भी कराना चाहिए। इससे पता भी चलेगा कि आपका क्या क्या बढ़ रहा है और क्या क्या नहीं बढ़ रहा है। तो कितना गर्म हो रहा ना गाड़ी में, कैसे जाना मेरे को। हाँ, इससे एक उल्टी की दवाई ली। उल्टी होती है बहुत ज्यादा आज हो रहा, इसलिए तो मैं भी नहीं। मैं जब वहां से आती हूँ ना, मैं ऐसे बन जाती हूँ कि यार पुराना दर्द भूल गई हो गया। उस समय तो मेरे को आदत हो गई थी इंजेक्शन खाने की। तो दोस्तों निकलते हैं फिर यहाँ से आगे। रिपोर्ट आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? फिर मैं आज सुबह ले लूँगी। दोस्तों खून निकाल के हम चल रहे हैं अपने आगे की सफर की ओर, साथ में अंजलि। दोस्तों यहाँ पे जो है कि बस रुक चुकी है, आगे से जाम वगैरह लग गया है। बाकी मार्केट कुछ रुद्रप्रयाग की इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पे ना काफ़ी वेट करना पड़ रहा है, पता नहीं कब तक पहुँचना। पहले बनाती है फिर चुप रहती, फिर सुबह अचानक से बोल देती है।
दोस्तों आजकल जगह जगह पर ना जब भी हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है कि नए नए पुल का निर्माण होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पुल बन रहा है जो कि गाड़ियों से रिलेटेड है, मतलब इसमें गाड़ी वाड़ी जा सकती है, तो उससे संबंधित ही शायद ये वाला पुल बन रहा है। बाकी हॉस्पिटल भी यहाँ पर आ गया है। दोस्तों मैं इस हॉस्पिटल में तीसरी बार आ रही हूँ, अभी तीसरी बार इस अंजलि के साथ आ रही हूँ, तो जो है कि अंदर पहले चेकअप करा लेती हूँ अच्छे से, फिर मैं मिलूँगी आपसे। बाकी पेट वगैरह बहुत घूम रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग आने को हो रहा है, सुबह से खाली पेट भी है इस वजह से भी। दोस्तों यहाँ का ना हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है भाई, जहाँ जा रहे वहीं वहीं से पता नहीं फिर भूल जा रहे कहाँ को जाना क्या जाना। चलिए अभी पर्ची काटने निकलते हैं। बाकी हॉस्पिटल में आओ ना दोस्तों, हर कोई अपने दुख के लिए ही आता है, कोई कुछ कोई कुछ। हॉस्पिटल आएंगे ना दोस्तों तो ऐसा होता है कि, और दोस्तों हमने आने में आज इतनी देर कर दी है और यहाँ पर ना अभी पर्ची काटने के लिए इतना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। सामने देख सकते हैं आप मेरे आगे कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है, लेकिन क्या करें। तो गाइज अभी दिन के बज रहे हैं 1:30, फाइनली हमारे सारे काम हो चुके हैं। कुछ मेडिसिन लिखी है डॉक्टर ने, वो यहाँ से हॉस्पिटल के बाहर मिलेंगी, तो चलते हैं वहीं दवाइयाँ लेने के लिए। बाकी आज का दिन कुछ इसी प्रकार से है दोस्तों, हॉस्पिटल के चक्कर काटने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आ रखे हैं अभी दवाई लेने के लिए, और गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही है भाई। दोस्तों इतनी ज्यादा थकान लग गई है, ऊपर से सर भी काफी दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए आ रही है, मतलब दिन का लंच का लेते हैं, बाकी जान नहीं रह गई भाई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। भैया मुझे थोड़ा सा दही चाहिए। यहाँ पे खाना आ चुका है, और ये ब्लॉगर ऐसी है कि थकान मैं जानती हूँ मेरे पे क्या बीत रही है। ब्लॉगर ऐसे होता है क्या, 5 मिनट चल रही फिर थकान लग जा रही है। आप तो छोटी थोड़ी, आप तो ब्लॉगर है, ब्लॉगर को तो एकदम होना चाहिए, एकदम जागरूक होना चाहिए तुझे हर जगह पे ब्लॉगिंग करने के लिए, और तू हर जगह पे लेट रही। मेरा बस चले मैं लोगों के मुंह पर कैमरा लगाऊं। लगा ले, चलिए खाना खा ले। चलो गाइस खाना खाते हैं। तो चलिए दोस्तों दिन का लंच करते हैं। ये पराठे हैं, दही है, छोले हैं, और ये क्या है, चटनी जैसा पता नहीं क्या है। कैसे बन रखे हैं अंजलि गौचर, क्या अच्छे होते हैं यहाँ के। बाकी ये भी है खाना। दोस्तों दिन के बज रहे हैं 2, और कड़ाके की भी धूप लग रही है। अब मैं और अंजलि जा रहे हैं किसी शॉप पर, क्योंकि अब खुशखबरी है अंजलि की तरफ से, जल्द ही इसकी शादी भी होने वाली है, तो बधाइयां देना बहुत ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग अगर ये करना चाहेगी या कुछ देखना चाहेगी तो बस वही देखने जा रहे हैं। फिलहाल एक अच्छी सी शॉप मिल जाएगी तो तभी वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। फिलहाल तो इधर साइड से तो एक भी शॉप नहीं है हमें। दोस्तों यहाँ पर एक शॉप मिल रही है, देखते हैं यहाँ। अरे यार यहाँ अंदर कितना प्यारा डॉगी बैठ रखा है, कितना क्यूट लग रहा है यार ये डॉगी। हेलो क्या नाम है आपका, सेकंड सेकंड हैवर नहीं है। अरे यार तो जो लेने आए थे वो यहाँ नहीं मिल रहा है, कहीं और दूसरी शॉप पे चलते हैं। बाकी मुझे तो डॉगी बहुत प्यारा लगा भाई। तो दोस्तों अब सीधा चलते हैं आगे की मार्केट की ओर, वहाँ ज़्यादा दुकान है तो वहीं देखते हैं अब। कौन से मार्केट जा रहे हैं हम, गोला। गोला है वहाँ पूरा ना, पूरा गोल है क्यों, देखते हैं तब तुम्हारा गोला मार्केट।
तो ये है गोला मार्केट। दोस्तों हम गोला मार्केट जा रहे हैं। अच्छा इधर को, यहाँ मैं पहली बार आ रही हूँ यार। बाकी यहाँ पे दुकानें कुछ इस प्रकार से लगी गई हैं, बर्तन भी बना रखे हैं। बड़ी सुंदर मार्केट है ये भी, गोला मार्केट। बाकी अंकल जी देखिए क्या खतरनाक नींद में पड़ रखे हैं। यहाँ पूछ ले पहले, यहाँ अंजलि अच्छा यहाँ भी मार्केट है। वाह यार गैस लीक हो रहा किसी का। इस वाली रोड पर आ रहे हैं तो सबसे पहले बता खतरनाक वाली गैस लीक। यहाँ जाना है, शॉप पर आ रखे हैं भाई हम।